हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइव विद सुधा। और बस मैं अभी अभी लंच बना के हटी हूँ। तो आज मैंने रेसिपी शूट की है। वैसे तो मैंने कुछ लंच की थाली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पांच छह वीडियो में, पांच छह अपने वीडियो के साथ मैंने अपने कुछ लंच रेसिपीज शेयर की है। तो आज ही मैंने फुल लंच रेसिपीज अपने कुकिंग चैनल के लिए बनाई है, जो है कि अगर आपके घर में अचानक कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई भी घर का रिलेटिव अचानक आ जाए, या फिर आप बहुत ज़्यादा बनाने के मूड में नहीं हैं, थोड़े थके हुए हैं, थोड़े से अनइजी फील कर रहे हैं, तो उस समय अपने गेस्ट के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए फटाफट इस रेसिपी को एज ए लंच या डिनर बना सकते हैं। तो मैंने वो रेसिपी अपने कुकिंग चैनल के लिए बनाई है, तो जल्दी बन जाने वाली है। 30 मिनट्स का है पूरा। आप इस रेसिपी को 3 से 4 लोगों के लिए, 4 से 5 लोगों के लिए, या उसमें थोड़े से और चावल बढ़ा दें, थोड़े से दाल बढ़ा दें, थोड़े से 2 आलू और छील लें, तो 6 लोगों के लिए भी ये रेसिपी उतने ही टाइम में बन जाने वाली है। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको आज की थाली। तो ये मेरे ब्लॉग के लिए भी आज की लंच थाली है, और ये मेरे कुकिंग चैनल पे भी जाने वाली है। बहुत अच्छी बनती है, इंस्टेंट बनती है, गेस्ट और रिलेटिव्स भी खुश हो जाएंगे आपकी ये थाली की सजावट देख के और इतनी जल्दी बन जाने की वजह से। तो देखते हैं आज की मेरी लंच की थाली। तो ये है आज की लंच थाली, जिसमें मैंने जल्दी बनाया है मूंग मसूर की दाल। तो ये बहुत इंस्टेंट बनती है और बहुत हेल्दी होती है, और बहुत साथ के साथ टेस्टी भी होती है। तड़का मारा है मैंने इसमें कड़ी पत्ता, प्याज, लहसुन, साबुत लाल मिर्च, राई, जीरा। तो बहुत जल्दी बनती है, इसको ज़्यादा सोक नहीं करना पड़ता, एक विसल में बनती है। तो इंस्टेंट दाल है, और आलू, टमाटर, प्याज सभी के घर में होते हैं, तो बहुत जल्दी बनती है। फटाफट आपने 2-3 आलू छीले, जल्दी गाढ़ी भी होती है, थोड़े से आलू मैश कर दे बन जाने के बाद, तो आपकी इंस्टेंट बिल्कुल लाजवाब सब्जी तैयार है। और इस मैं दिखाती हूँ, इसमें मैंने बड़ी डाली है, जो कद्दू की बड़ी बनाते हैं, जो मैं मम्मी के पास से लेके आई थी। मार्केट में भी शॉप पे आजकल अवेलेबल रहता है बड़ी, तो दाल के तड़के में मैंने वो बड़ी डाली है। मैं दिखाती हूँ, यहाँ थोड़ा उसके टुकड़े करके मैंने डाले हैं, ये काला सा दिख रहा है जो, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें जो मसाले और कद्दू का जो फ्लेवर होता है। तो 4 बड़ी मैंने सब्जी में डाली है, 2 बड़ी का तड़का मैंने दाल में मारा है, राइस बना दिया है। बस सैलड काट के आप थाली इस तरह से सजा के दे दें, पूड़ी निकाल दें। गेस्ट अगर डिमांड करते हैं रोटी की, तो भी उतना ही टाइम लगता है। पूड़ी अगर वो खाना पसंद करते हैं, तो पूड़ी से लगी हुई थाली उनको और भी पसंद आएगी, और वो भी खुश हो जाएंगे कि मेरे लिए इतना एफर्ट किया गया, जबकि एफर्ट कुछ भी इतना नहीं है। तो मेहमान भी खुश और आप भी खुश। तो ये है मेरी लंच थाली आज की, तो हम इसको इंजॉय करने जा रहे हैं। मिलती हूँ अगले किसी वीडियो ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।